उसको अभी लग रही थी, देखो मेहंदी हम लोगों को पहले ही लग चुकी थी क्योंकि अब ब्राइड है तो ब्राइडल के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो कल मेहंदी के लिए। और अब शाम को क्या होगा मम्मा? अब ढोल वाला आएगा तो डांस, शाम को ढोल वाला आएगा डांस करेंगे, और फिर मेरे को मेकअप करना पड़ेगा, तो ये मिलते थोड़ी देर से। मेकअप इन द सेंस कि बीबी क्रीम वगैरह लगाना पड़ेगा, समझे? मम्मी हट जाओ, यहाँ थकी हुई है मम्मी, थकी हुई है तो ठीक है, बट यहीं पे मेहंदी लगेगी दीदी को, तो कटना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए गाइस दुल्हनिया, मेरा पता चल रहा है, हाय दुल्हनिया, चलो तो नीचे चल रहा है संगीत टाइप का कुछ, तो मैं जा रही हूँ नीचे, देख के आती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। भांजी की पूजा की जा रही है, ये कैसा लग दोस्तों? अभी यहाँ पे होगा कुछ पूजा वगैरह, मिलेंगे मम्मी दोस्तों, शादी वाला घर है, आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, बट क्या कर सकते अभी यार। ये लिप्स का शेड कुछ अलग लग रहा हूँ, मेरे को हो रही है बहुत तेज से खांसी क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है। तो अब क्या करना है मुझे, मुझे भी कुछ करना है, मैं देख के आता हूँ नीचे क्या हो रहा है, आप लोगों को भी देखिए। हाँ वहाँ पे घूमने भी घूमने निकल गई वो। अरे वो सही रहता, वो निकल जाता ना। अभी मेरी एक फ्रेंड अभी तक भी, वो एक साल हो गया कहीं नहीं जाकर। अभी हम जा रहे हैं मटकी लेने के लिए, मैं आपको मटकी वाला दिखाती हूँ कैसा सीन है। ये अब धर्मशाला का पीछे वाला हिस्सा, घड़े वाले वैसे यूजुअली यहाँ रहते हैं बट अभी नहीं है, सब जा रहे हैं, लगता है यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और देखना पड़ेगा आपको, दूसरी साइड चलना पड़ेगा, देखते क्या होता है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन नहीं दिख रहे, मिट्टी के बर्तन नहीं दिख रहे, बताओ हम लोग की कटनी में मिट्टी के बर्तन देख लो जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा मिट्टी के बर्तन ना हो। ऑटो वाले को डर लग रहा होगा, पैसे दे के आए, पैसे भी नहीं दे के आए, अभी जाएंगे ना। एज यूजुअल यहाँ पे भी नहीं मिला है। मम्मी चले कटनी से ले आते हैं, अपन लोग पता होता है ऐसा कुछ तो, वहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्त, यहाँ पे दिए हैं ये मिल रहा है। ओहो ये क्या था पता नहीं है, पर ये भी अच्छा लगा। देखिए गाइस डोर, मैं हूँ एक कुर्ता रोबोट डोर वन टिन टिन। ऑटो वाले अंकल को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं पता, ऑटो वाले अंकल को रोक क्या है, अभी उनको पैसे नहीं दिए, उनको बोले कि लौटते वक्त हम लोग दे देंगे, हम लोग आएंगे तो रुकिए, अब इतना लेट हो गया तो वो सोच रहे होंगे कि क्या पता देते हैं कि नहीं, आवाज़ मेरी आ रही होगी कि नहीं, आई डोंट नो, थोड़ा सा मतलब वो कर लीजिएगा। मेरा चश्मे कैसे देख रही हूँ, चश्मे कैसे
ऐसे ज्यादा अच्छे। चलिए यहाँ से मिल गया है, चलते हैं। मैं आगे चलती हूँ ताकि पीछे वाले लोग भी आ जाए। गाइस थोड़ा सा समय और बचा है तो जाएंगे। ओए छोटू कैसा लग रहा है इंदौर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। रायपुर की याद आ रही है मुझे, रायपुर की याद आ रही है। मेरे को तो सब इधर उधर का लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा क्या है सो समझ नहीं। मेरे को बस इतना पता सुभाष नगर है यहाँ पे, बाकी मार्केट का पूरा इलाका है, मार्केट में ही घर है, बहुत अच्छी बात है। गाइस अब हम लोग आगे घर, अब देखते हैं बैंड वाला, पता नहीं पहले से आ तो गया होगा। 8 बजे का बोला था बजा के, भक्त तो नहीं गया कि बैंड वाला मेरे को डांस करना था यार। हम भी ना देखना पड़ेगा कहाँ है भैया, मैंने बोला था 8 बजे, सबसे पूछ के बोला था, अकेले नहीं बोला था। अब देखते हैं ऊपर चल के, देखते हैं कि दीदी की कितनी मेहंदी लग गई है। ऐसे बीच बीच में मैं बोलने लगती हूँ यार, ये मेरी दीदी की शादी है गाइस। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ चुकी है पर कोई बात नहीं। देखिए गाइस पैर को कितना प्यारा लग रहा है अभी, और थोड़ा सा वो करेंगे। हाँ हाँ अपना भी आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और जो जो शादी में नहीं आ पाए वो प्लीज़ ब्लॉग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मैं सुबह से ऐसे बांधी हुई थी ना बन टाइप का, तो अब मेरा ऐसा हो चुका है, ऐसे मतलब ऐसे बाल हो चुके हैं। तो अभी बज रहे रात के 3, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मतलब कल माता पूजन है, कल संगीत है, कल बहुत कुछ है। मिलते हैं, बाय। याद कर लेना तो मेरी ढोली ना सुन, पूरी घर में आवाज आ रही है। सॉरी गाइस, बाय बाय बाय। वो कैसे बुही भैया, बाय। काली थी घर छोड़ के, लोवर दे दो मेरे को लोवर दो ना, वहां देखो राइट टू बी को मैं नहीं लगेगा। चिली क्या ना मेरी लिप्स से तो यहाँ मिट्टी के बर्तन मिल नहीं रहे हैं दोस्तों। मेहंदी वाली आ गई है, रुक तक। अरे यार क्या कट करना पड़ेगा मुझे ये, जो मंगा कोई बात नहीं अभी उसके फोटो भेज दो।